दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड सीरीज का पार्ट टू होगा। पार्ट वन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है पार्ट वन भी। उसमें हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की साइड में जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स थी उनकी स्टडी हम लोगों ने की, और उसमें बहुत ढेर सारी इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हम लोगों ने देखी, जैसे नेयर्स स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट, ऐसी ढेर सारी स्टेट्स हम लोगों ने देखी। और कुछ छोटी छोटी स्टेट्स भी देखी, जैसे जुआंडी फुका स्टेट, कुछ पैसेज भी हम लोगों ने देखे, मोना पैसेज, विंडवर्ड पैसेज। तो पार्ट वन इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट था कि उसमें पैसेज भी थे, चैनल्स भी थे, सारी चीज़ें थी। तो उसको आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं अभी तो। और पार्ट टू में हम लोग जो हमारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप इस वाले क्षेत्र में, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अलावा अदर पार्ट्स में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, चैनल्स हैं, पैसेज हैं, वो सब हम लोग इस पार्ट टू में कवर करेंगे। और ये हम लोगों का लास्ट होगा स्टेट्स का पार्ट, और इसके बाद आपको विश्व की सभी प्रमुख स्टेट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस पार्ट टू को। तो सबसे पहले आपके सामने ये इमेज आ रही होगी, इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आपको बनाना है जैसे हम लोगों ने पार्ट वन में किया था, कि मैंने लिस्टिंग कर दी है। और जिस नंबर पे, जैसे फर्स्ट नंबर पे जो स्टेट लिखी हुई है, वही स्टेट मैंने फिगर में भी नंबर 1-2 करके लिखा हुआ है। तो वैसे ही है जैसे पार्ट वन में था। अब हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग की पहली स्टेट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 1 लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि लिस्ट आप एक बार पूरी नोट कर लीजिएगा नंबर 1, 2, 3 से। उसमें नंबरिंग में गड़बड़ी मत करिएगा। मैंने जिस नंबर पे जो स्टेट लिखी है वही लिखिएगा आप। फिर आप यहाँ से मैच करवाइएगा कि नंबर 1 पे कौन सी है, नंबर 2 पे कौन सी है। और यहाँ पे मैं खैर बता ही रहा हूँ, तो वहां से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आइलैंड है, ये है सखालिन आइलैंड, जो कि रशिया का पार्ट है। यहाँ पे है ओखोटस्क सी और ये सखालिन आइलैंड है। और यहाँ पे शुरू हो जाता है हमारा जापान। जापान के द्वीप हैं, जैसे होकाइडो है, ये होन्शु है, ये शिकोकू है, ये क्यूशू है। तो इस सखालिन आइलैंड, जो कि रूस का पार्ट है, और होकाइडो, जहाँ से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शुरुआत होती है जापान की, फर्स्ट आइलैंड है जापान का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रेट है, जहाँ मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, ये है हमारी सोया स्ट्रेट। छोटी सी स्ट्रेट है, जल्दी हम लोग को देखने को नहीं मिलती है मैप्स में। तो ये हमारी सोया स्ट्रेट है, और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये रशिया और जापान के बीच में है, क्योंकि जो ये सखालिन आइलैंड है, ये रशिया का ही पार्ट है। ठीक, तो नंबर 1 हमारी हो गई सोया स्ट्रेट। और इसको अगर वैसे तो ये अगर देखा जाए, तो ये पूरे का पूरा हमारा पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। तो ये दो ओशंस को तो नहीं जोड़ रही है, लेकिन पैसिफिक ओशन के ही दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है। जैसे कि इधर का एरिया ओकोटस्क सागर, जैसे मैंने बताया, इधर का एरिया है आपका ईस्ट ईस्ट सी, या सी ऑफ जापान बोलते हैं इसको। तो इन दोनों को ये कनेक्ट कर रही है, लेकिन ये दोनों पैसिफिक के ही पार्ट हैं। ये हो गया फर्स्ट हमारा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जापान और रशिया के बीच में है। हो सकता है कभी पूछा जाए कि कौन सी स्टेट ऐसी है जो जापान और रशिया के बीच में है, तो हम लोग सोचें कि जापान और रशिया के बीच में तो कोई स्टेट है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में नहीं आएगा कि जो ये सखालिन आइलैंड है, ये रशिया का ही पार्ट है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। तो नंबर 1 हमारा हो गया। अब नंबर 2 देखते हैं। होकाइडो, जो कि जापान का एक आइलैंड है, जापान में 4 आइलैंड इंपॉर्टेंट है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। कभी हम लोग जापान पे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर बस आपको इतना जानना है कि होकाइडो और होन्शु, इन दोनों के बीच में एक स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं, नंबर 2 लिखा हुआ है सुगारू स्टेट। और इन्हीं दोनों को ये अलग कर रही है। इधर मेन पैसिफिक ओशन है, और इधर जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ईस्ट सी या सी ऑफ जापान है इधर। ठीक, और ये होकाइडो एंड होन्शु के बीच में यहाँ पर है सुगारू स्टेट। तो दो को दिमाग में रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि सोया स्टेट जो है वो
रशिया और जापान के बीच में है, लेकिन सुगारू स्टेट जो है वो जापान के ही दो आइलैंड्स होकाइडो एंड होनशु के बीच में है। इसके बाद जो हम लोगों का नंबर एक तो हो गया, अब आते हैं हम लोग नंबर तीन पे। नंबर तीन देखिए, ये कोरियन पेनिसुला है, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे यहाँ पे साउथ कोरिया है हमारा, और ये नॉर्थ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, यहाँ पे एक आइलैंड है जो कि जापान का पार्ट है, छोटा सा मैंने बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं सुशीमा आइलैंड। तो इस जापान के सुशीमा आइलैंड और इस कोरिया कोरियन पेनिसुला कह सकते हैं या साउथ कोरिया कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्टेट है नंबर तीन, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियन स्ट्रेट या कोरिया स्ट्रेट। और इसी के जस्ट बिल्कुल बगल में एक स्ट्रेट है जो कि मेन जो हमारा जापान है, जापान में मेनली चार आइलैंड ही हैं, होकाइडो, होनशु, शिकोकू एंड क्यूशू। तो इस क्यूशू आइलैंड और यहाँ पे सुशीमा, तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसको हम लोग बोलते हैं सुशीमा स्ट्रेट। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, तो होकाइडो होकाइडो होन्शु, ये छोटा सा है शिकोकू, और लास्ट में है क्यूशू। तो इस क्यूशू आइलैंड और सुशीमा आइलैंड के बीच में जहां नंबर चार मैंने लिखा है वो है सुशीमा स्ट्रेट, और इस सुशीमा आइलैंड और इस कोरियन पेनिसुला के बीच में जो है नंबर तीन जहां मैंने लिखा है वो है कोरिया स्ट्रेट। तो सिंपल, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बस आपको इसमें इतना दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो सुशीमा स्टेट है वो जापान के ही दो आइलैंड्स के बीच में है, क्योंकि सुशीमा और आपका क्यूशू दोनों जापान के ही पार्ट हैं। लेकिन जो कोरिया स्टेट है वो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जापान और कोरिया के बीच में है, क्योंकि सुशीमा भी जापान का ही पार्ट है, लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली कहना हो तो हम कह सकते हैं सुशीमा आइलैंड और कोरिया के बीच में जो है वो कोरिया स्टेट है, कोरिया के नाम पे है। ठीक है, ये कोरिया के नाम पे है कोरिया स्ट्रेट, जो कि सुशीमा द्वीप और कोरिया प्रायद्वीप के बीच में है, और यहाँ पे सुशीमा द्वीप और जापान के क्यूशू द्वीप के बीच में सुशीमा द्वीप के नाम पे जो स्ट्रेट है वो है सुशीमा स्ट्रेट। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि नाम लगभग एक जैसे थोड़े थोड़े हैं, सोया, सुगारू, सुशीमा, कोरिया, तो कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, तो ध्यान से इसको देखिएगा। भी बाद में जब ये फिनिश हो जाएगा तो हम लोग जैसे पार्ट एक में इमेजेस देखे थे वैसे देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर पांच पे। नंबर पांच बहुत ही सिंपल है, और एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, ये किसको किसको जोड़ रहा है। इधर हम मैंने पहले ही बताया था ईस्ट सी या सी ऑफ जापान है, और इधर पूरा आपका येलो सी है, तो इन्हीं दोनों को ये दोनों स्टेट्स कनेक्ट कर रही है क्योंकि दोनों बिल्कुल पास पास हैं। इधर येलो सी है, फिर इधर आपका ईस्ट चाइना सी भी शुरू हो जाता है। ठीक, ये आपका है जो आइलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह है ताइवान। यहाँ पे एक चीज छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे होगी, मैंने नंबर पांच लिखा है इसको मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ, ये यहाँ होगा। ठीक है, ये आपका चाइना है, मेनलैंड चाइना, और ये आपका है ताइवान, और इस ताइवान और इस चाइना के बीच में ये नंबर पांच जहाँ पे है, मैंने नीचे कर दिया था थोड़ा सा इसको, इस चाइना और इस ताइवान के बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेट है ये ताइवान के ही नाम पे है, ताइवान स्ट्रेट हमारी पांचवीं स्ट्रेट। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ईस्ट चाइना सी और यहाँ पे हमारा साउथ चाइना सी, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रही है, क्योंकि ताइवान के नीचे हमारा ये साउथ चाइना सी का पार्ट है और ताइवान के इधर हमारा ईस्ट चाइना सी का पार्ट है, और इन्हीं दोनों के बीच में ताइवान है, और ताइवान छोटा सा आइलैंड और यहाँ ये चाइना है हमारा, इसके बीच में ताइवान के ही नाम पे स्ट्रेट है, वो है हमारी ताइवान स्ट्रेट। नंबर छः, ये तो बहुत छोटी सी स्टेट है, जनरली हम लोग को किताबों में मिलती भी नहीं है, ये फिलीपींस है, और ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड, इसको कहते हैं बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड में मलेशिया का भी पार्ट है,
बोर्नियो आइलैंड में इंडोनेशिया का भी पार्ट है और एक छोटा सा देश ब्रुनेई भी है। तो ये एक ऐसा आइलैंड है जिस पर तीन देश हैं, और इस बोर्नियो आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है और ये फिलीपींस हो गया, इसके बीच में यहाँ पे जहाँ नंबर 6 में दिखा रहा हूँ छोटी सी एक स्टेट है जो कि है हमारी बैलाबैक स्टेट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 7। ये जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये बोर्नियो है हमारा द्वीप, और ये है सेलेबीज या सुलावेसी, दोनों इंडोनेशिया के ही हैं। और इन दो इंडोनेशिया के द्वीपों के बीच में यहाँ पे एक स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं मकासर स्टेट, नंबर 7। और यहाँ ये किसको, किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, सेलेबीज के ऊपर एक वाटर बॉडी है जो कि है सेलेबीज सी, और यहाँ पे है जावा सी, क्योंकि यहाँ पे जावा आइलैंड है ये। ये तो हमारा सुमात्रा हो गया, ये वाला जावा है, ठीक है, ये जावा, इधर छोटे छोटे आइलैंड है, लॉम्बोक है, बाली, ये सारे हैं। तो ये सुमात्रा है, ये जावा है, इधर जावा सी है, और ये है सेलेबीज सी। तो इधर सेलेबीज सी, इधर जावा सी, इन दोनों वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट कर रही है हमारी मकासर स्ट्रेट, और ये है हमारा सेलेबीज आइलैंड, ये है बोर्नियो आइलैंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 हो गया, नंबर 8, ये लोग इसको तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया जब पढ़ रहे थे तभी देख चुके हैं कि ये हमारा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में इस, ये हमारा यहाँ पे अराफुरा सी है, इस एरिया में यहाँ पे कोरल सी है, और यहाँ पे एक स्टेट है जो कि हम लोग बोलते हैं जिसको टॉरस स्टेट, और इधर क्या है, ये पपुआ न्यू गिनी है ऊपर, और ये टॉरस स्ट्रेट है जो कि ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी दोनों को अलग कर रहा है, और इधर कोरल सी एंड इधर अराफुरा सी एंड गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया को कनेक्ट कर रहा है। और अब आप बारी है न्यूजीलैंड की, कुछ स्टेट्स की, ये जो हमारा न्यूजीलैंड देश, न्यूजीलैंड से सभी लोग परिचित हैं, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को तो सभी लोग जानते ही होंगे, और बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही एक शांत शांतिप्रिय देश कह सकते हैं हम लोग न्यूजीलैंड को। तो न्यूजीलैंड में मेनली 3 आइलैंड्स हैं जो जल्दी हम लोग को मैप में दिख जाते हैं, और भी होंगे छोटे छोटे, लेकिन ये हमारा नॉर्थ आइलैंड है, ये वाला हमारा साउथ आइलैंड है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टीवर्ट आइलैंड है, बहुत छोटा सा। तो नॉर्थ आइलैंड, इस नॉर्थ आइलैंड और इस साउथ आइलैंड के बीच में एक स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कुक स्टेट, और इस साउथ आइलैंड और इस स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में एक स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं फावियोक्स स्टेट, ठीक है, स्पेलिंग आ रही होगी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिएगा। ये स्टेट्स थोड़ी सी कठिन है क्योंकि तो ये जल्दी हम लोगों को नहीं, जब भी हम लोग कहीं पर सॉल्व करते हैं जनरली हम लोग को ये स्टेट्स नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि कुक स्टेट तो फेमस है और लेकिन फोबियोक्स वाली जो है वो थोड़ी सी कम फेमस है। तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में कुक स्टेट, और साउथ आइलैंड एंड स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में फोबियोक्स स्टेट, और ये दोनों स्टेट्स न्यूजीलैंड की स्टेट्स हैं। और 10 हो ही गया हमारा, अब यहीं पे आगे बढ़ते हैं 11। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, इधर है हमारा तस्मानसी, और ये तस्मानिया द्वीप है, और इधर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, ये है हमारी बास स्ट्रेट, और ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि, और तस्मानिया द्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट है, उसी का एक प्रांत कह सकते हैं, उन दोनों को ही अलग कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में दो स्टेट्स हैं, ये जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे वहाँ पर भी मैंने बताया था, ऊपर टॉरस स्ट्रेट है और नीचे बास स्ट्रेट है, और न्यूजीलैंड का तो मैंने बता ही दिया, कुक स्ट्रेट्स एंड फोबियोक्स स्ट्रेट। 11 तक हम लोगों ने कर लिया था बास स्ट्रेट तक, अब 12 पे आते हैं। ये हमारा जो आइलैंड है ये है सुमात्रा और ये है जावा, इस सुमात्रा और जावा के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो कि है सुंडा स्ट्रेट, इधर हमारा ऊपर जावा सी का पार्ट है, ये पूरा हमारा इंडियन ओशन है, इसी को ये कनेक्ट कर रहा है, और
यहाँ पे सुंडा गर्त भी है, जब हम लोग इंडियन ओशन का रिलीफ पढ़ेंगे बॉटम रिलीफ तो वहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जावा और सुमात्रा के बीच में है, यहीं पे उसी नाम की एक गर्त भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहीं पे 12 नंबर के आगे 13 नंबर पे है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि ये हमारा मलेशिया का पार्ट है, ये जो हम देख रहे हैं ये मलेशिया का पार्ट है, और ये है हमारा सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर है हमारी स्टेट ऑफ मलक्का। और ये भी वही, इधर इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में इधर अंडमान सी का पार्ट है और इधर जावा सी का पार्ट है, उन्हीं सबको ये कनेक्ट कर रही है। तो इन ये जो इंडोनेशिया वाले रीजन में जितनी भी स्ट्रेट हैं इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बार आप फिर से बता दे रहे हैं, स्टेट ऑफ मलक्का ये मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच में, सुंडा स्ट्रेट ये सुमात्रा और जावा के बीच में, मकासर स्ट्रेट बोर्नियो और सेलेबीस या सुलावेसी के बीच में, ये इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो बर्बैक स्ट्रेट है जो कि फिलीपींस और बोर्नियो के बीच में है, चाइना और ताइवान के बीच में यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है। तो ये जो फिलीपींस इंडोनेशिया वाले रीजन की जो स्टेट्स हैं ये थोड़ी सी कठिन होती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम लोग कहाँ तक हो गए थे, हम लोग 13 तक कर लिए थे। अब नंबर 14, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ये इस साइड एक वाटर बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और इधर है हमारा पूरा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर हमारी गल्फ ऑफ मन्नार, और यहीं पे है हमारी पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये फेमस है और इंडियन ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो नंबर 14 हो गया। नंबर 15, ये हमारा एक द्वीप है बहुत ही फेमस, इसको हम लोग बोलते हैं मेडागास्कर, जो कि एक देश है, एक द्वीपीय देश है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और यहीं पर एक देश है मोजम्बिक। तो यहाँ पे इस मोजम्बिक देश और इस मेडागास्कर द्वीपीय देश, इन दोनों के बीच में यहाँ पर है मोजम्बिक चैनल, जो कि उसी मोजम्बिक कंट्री के ही नाम पे है। और यहाँ पे जब हम लोग करंट पढ़ेंगे इंडियन ओशन की, तो आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से एक करंट आती है जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मोजम्बिक करंट और एक हो जाती है अगुलहास की धारा, मोजम्बिक एंड अगुलहास करंट, फिर बाद में दोनों मिलती हैं, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी इंडियन ओशन के करंट्स में। तो ये चीज़, ये वही वाला एरिया है। 15 हो गया। 16, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 और 17। नंबर 16 पे यहाँ पे स्ट्रेट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बब एल मंदेब। स्ट्रेट ऑफ बब एल मंदेब ये दो को कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी, और यहाँ पे है लाल सागर, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट ऑफ बब एल मंदेब। और नंबर 17, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये किसको किसको कनेक्ट कर रही है, इधर है हमारा गल्फ ऑफ ओमान, ओमान देश के नाम पे है, और यहाँ पे है हमारी पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, यहाँ पर तो ओमान देश के नाम पे ओमान की खाड़ी है, अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे यमन है तो यमन के नाम पे यमन की खाड़ी होनी चाहिए, लेकिन ओमान के नाम पे तो ओमान की खाड़ी है, बट यहाँ अदन की खाड़ी क्यों है, तो इसको मैं बता दूं कि ओमान के नाम पे यहाँ पे तो ओमान की खाड़ी है, और इसी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ रही है हॉर्मुज स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे जो अदन की खाड़ी है, जिसकी अदन और अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ रही है बबेल मंदेब स्ट्रेट, वो अदन वास्तव में एक शहर है, एक स्थान है यमन देश में, उसी के नाम पे अदन की खाड़ी नाम रखा गया है। पहले मुझे भी कन्फ्यूजन होता था कि ओमान की खाड़ी है इसको यमन क्यों आया, फिर बाद में जब मैंने पढ़ा इसको तो पता चला कि ये वास्तव में यमन का एक शहर है, उसी के नाम पे रखा गया है। जैसे आपने मलक्का यहाँ पढ़ा था ना, यहाँ मलक्का एक शहर है, एक स्थान है मलक्का, उसी के नाम पे स्ट्रेट का नाम रखा गया है। बहुत सारी ये जो स्ट्रेट है वो किसी न किसी ऐसे नाम पे रखी गई है, अगर वो नाम भी आपको याद रहेगा, जैसे मोजम्बिक स्ट्रेट, यहाँ पे मोजम्बिक देश के नाम पे, सॉरी चैनल, मोजम्बिक चैनल, तो
तो उससे भी आपको याद रहेंगी चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बस एंड की ओर ही बढ़ रहे हैं हम लोग। 17 तक हो गया है। नंबर 18, ये ब्लैक सी है। यहाँ पे कैस्पियन सी मैंने बनाया नहीं है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 18। अब 18 नंबर पे कौन सी स्ट्रेट है उसको देखते हैं हम लोग। ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी के पास दो स्ट्रेट हैं जो कि बहुत ही पूछी जाती हैं और थोड़ा सा कठिन भी है, जल्दी याद नहीं होती। यहाँ पे एक छोटा सा सी है जिसको हम लोग बोलते हैं एजोव सी, और यहाँ पे एक छोटा सा सी है जिसको हम लोग बोलते हैं सी ऑफ मार्मरा। फिगर हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है फिगर में, तो आप लोग को बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। इस एजोव सी और ब्लैक सी के बीच में 19 नंबर पे जो स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ कर्च, और इस ब्लैक सी और इस सी ऑफ मार्मरा के बीच में 18 नंबर पे जो स्ट्रेट है वो 18 नंबर पे जो स्ट्रेट है वो है हमारी बॉस्पोरस स्ट्रेट। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए कि ब्लैक सी के दोनों कोनों पे, इस कोने पे और इस कोने पे, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, दो सी उससे जुड़े हुए हैं। बस माइंड में आपको एक इमेज बनानी है कि ब्लैक सी है, ब्लैक सी के नॉर्थ में भी उससे एक सी अटैच है छोटा सा, वो है एजोव सी, और साउथ में भी उससे एक सी जुड़ा हुआ है जो कि ये सी ऑफ मार्मरा। एजोव सी से जो स्ट्रेट उसको जोड़ रही है वो है स्ट्रेट ऑफ कर्च, और मार्मरा सी से जो स्ट्रेट उसको जोड़ रही है वो है बॉस्पोरस स्ट्रेट। अब 20 पे हम लोग बढ़ते हैं। 19, 19 और 18 और 19 हो गया हम लोगों का। यहाँ पे देखिए 20, ये ग्रीस का पार्ट है। इधर ग्रीस है, फिर इधर अल्बानिया इत्यादि देश हैं, ये ग्रीस है। यहाँ पे इधर इटली है, ठीक है। इधर नीचे आयोनियन सी है, इधर ऊपर इटली के बगल में ये एड्रियाटिक सी है। तो इस एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में यहाँ पे जो नंबर 20 पे एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ये, ठीक। स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो बिटवीन आयोनियन सी एंड एड्रियाटिक सी। और अब हम लोग 21 नंबर पे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए ये एक, ये तो इटली ही है मैंने बताया अभी, ये एक द्वीप है छोटा सा, सिसली द्वीप, ज्वालामुखी में आपने पढ़ा होगा। सिसली द्वीप भी इटली का ही पार्ट है, और इस सिसली द्वीप और इस मेन लैंड इटली, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो कि यहाँ पे टिरेनियन सी है, और यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आयोनियन सी है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, ये है स्ट्रेट ऑफ मेसिना, जो कि जो हमारा ये सिसली द्वीप है ना, इसी पर एक स्थान है, एक शहर है छोटा सा जिसका नाम है मेसिना, उसी के नाम पे इस जलसंधि का नाम मेसिना रखा गया, जो कि किसको किसको जोड़ रही है। इस साइड है आपका टेरेनियन सी, इस साइड आयोनियन सी है, और ये किन दो लैंडमार्क्स को अलग कर रही है, इटली है मुख्य इटली, और इटली का ही द्वीप सिसली, उन दोनों को ये अलग कर रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 21 के बाद 22 पे आते हैं। यहाँ पे दो द्वीप आप देख रहे हैं, ऊपर वाले द्वीप का नाम है कॉर्सिका और नीचे वाले द्वीप का नाम है सार्दिनिया। जो कॉर्सिका द्वीप है ये फ्रांस का पार्ट है, और जो सार्दिनिया द्वीप है ये इटली का पार्ट है, और इस फ्रांस के कॉर्सिका और इटली के सार्दिनिया के बीच में एक स्ट्रेट है जो कि है हमारी स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मुख्य हमारा भूमध्य सागर, ये जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ये हम लोग का पूरा मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। ये फिर से देख लिया जाए, कर्च स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, और अभी हम लोगों ने नंबर 22 देखा, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो, और अभी हम लोगों ने 21 देखा था इसके पहले, स्टेट ऑफ मेसिना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 23 यहाँ पे हमारी है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे ना एक जिब्राल्टर एक स्थान है, ये छोटा सा स्थान है, प्लेस है,
उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये पूरा हमारा भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, इधर हमारा इस रीजन में, इधर अटलांटिक ओशन हो जाता है, इन्हीं दोनों को ये कनेक्ट कर रही है। अब फाइनली सबसे लास्ट हमारा फिलहाल 24 इंग्लिश चैनल, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ब्रिटेन है, इधर हमारा आयरलैंड है। तो इसमें यहाँ पे तो हमारा है नॉर्थ सी, ठीक है, इस रीजन में हमारा नॉर्थ सी हो जाता है, और इधर अटलांटिक ओशन का पार्ट है, और यहाँ पे बीच में ये है हमारा इंग्लिश चैनल, जो कि किन दो लैंड मास को अलग कर रहा है, ये चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है। ये हमारा, ये फ्रांस का पार्ट है, तो फ्रांस एंड ब्रिटेन या ब्रिटिश आइलैंड्स, इन दोनों के बीच में जो हमारा चैनल है, ये है हमारा इंग्लिश चैनल, जो कि इधर हमारा नॉर्थ सी एंड इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जोड़ रहा है, और यहाँ पे एक खाड़ी भी है जिसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बिस्के। कभी हम लोग इसमें ब्रिटिश जो हमारे आइलैंड्स हैं इसमें डिटेल में बात करेंगे। इसमें आपका बहुत ही कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि यूनाइटेड किंगडम हम किसको बोलेंगे, स्कॉटलैंड किसका पार्ट है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इसमें आयरलैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, ब्रिटेन है, बहुत सारे नाम हैं। तो हम लोग जब इस पे पढ़ेंगे पूरी इसकी जियोग्राफी को, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे इसको। अब हम लोग का पूरा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रीट्स को देखेंगे जिसको कि यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं था, छोटी सी स्ट्रीट्स थी, और बाकी उनको भी देखेंगे, प्लस इन सभी स्ट्रीट्स को एक बार हम लोग कुछ इनकी इमेजेस देख लेते हैं, जैसे पार्ट वन में देखे थे, तो वैसे हम लोगों को और अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन वो काम शुरू करने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पूरा अच्छे से। देखिए, सखालिन और होकाइडो के बीच में ये हमारी है सोया स्ट्रेट, नंबर एक, नंबरिंग भी देखते रहिए। नंबर दो, होकाइडो और होंशु के बीच में सुगारू स्ट्रेट। नंबर तीन, सुशिमा और कोरिया के बीच में ये हमारी हो गई कोरिया स्ट्रेट। फिर ये नंबर फोर हमारा, यहाँ हो गई हमारी नंबर फोर पे ये सुशिमा स्ट्रेट हो गई। देन नंबर फाइव पे इधर चाइना एंड ताइवान के बीच में ये ताइवान स्ट्रेट हो गई। और जब हम लोग इधर जियो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि ये साउथ चाइना सी है एंड इधर हमारा ईस्ट चाइना सी, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रही है। देन फिर इधर नंबर सिक्स पे इधर फिलीपींस और बोर्नियो के बीच में ये बैलाबैक स्ट्रेट, और इधर नंबर सात सेलेबीज एंड बोर्नियो के बीच में स्ट्रेट ऑफ मकासर, और उसके बाद आठ हमारा ये ऑस्ट्रेलिया और इधर पपुआ न्यू गिनी के बीच में टॉरस स्ट्रेट। और ये कुछ टफ स्ट्रेट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, न्यूजीलैंड के जो नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड हैं इनके बीच में नंबर नौ पे ये कुक स्ट्रेट है, और साउथ आइलैंड एंड स्टीवर्ट आइलैंड जो कि न्यूजीलैंड के ही तीनों पार्ट हैं, उन दोनों के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड के बीच में तो कुक स्ट्रेट है, और साउथ आइलैंड एंड स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में यहाँ पे है, ये लिखा भी है नंबर 10 पे फोवियोक्स स्ट्रेट। एंड 11 बहुत ही सिंपल, बास स्ट्रेट बिटवीन तस्मानिया एंड मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 12 पे, ये भी सिंपल है, सुमात्रा एंड जावा के बीच में ये सुंडा स्ट्रेट, और 13 मलेशिया एंड सुमात्रा के बीच में ये भी सिंपल सी ही है, ये बहुत ज़्यादा कठिन स्ट्रेट्स नहीं है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। एंड 14 श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में पाक स्ट्रेट। 15 मोजम्बिक चैनल बिटवीन मेडागास्कर एंड मोजम्बिक। 16 स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेप, जो कि इधर हमारा रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। 17 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये बिटवीन किसको किसको जोड़ रहा है, अगर हम देखें तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। फिर इधर आ जाता है हमारा 18 सी ऑफ मार्मारा एंड ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में है बॉस्पोरस। फिर 19 एजोव सी एंड ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में है कर्च। 19 हो गया। 20 इधर है हमारा एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन सी,
और बीच में है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, इधर हमारा 21 टेरियन सी एंड आयरियन सी, और ये सिसली द्वीप और मेनलैंड इटली, सिसली भी इटली का ही पार्ट है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मेसिना, जो कि एक छोटा सा शहर है मेसिना नाम का, सिसली द्वीप पर उसी के नाम पे रखा गया है। ये कॉर्सिका और सारदिनिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, जिसमें कि जो कॉर्सिका है वो फ्रांस का पार्ट है और जो सारदिनिया है वो दोनों आइलैंड्स हैं, लेकिन जो कॉर्सिका आइलैंड है वो फ्रांस का पार्ट है और जो सारदिनिया आइलैंड है वो इटली का पार्ट है। फिर इधर तो सिंपल ये 23 बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि इधर मेडिटेरेनियन सी और इधर हमारे नॉर्थ एटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। और फिर इधर अपना 24 इंग्लिश चैनल, इधर हमारा नॉर्थ सी का पार्ट है, इधर एटलांटिक ओशन का पार्ट है, ये फ्रांस है, और इधर हमारे ब्रिटिश आइल्स या ब्रिटिश आइलैंड है इधर। तो ये पूरी लिस्टिंग भी है, 24 पैसेज, पैसेज तो खैर इसमें नहीं है एक भी, चैनल्स हैं, और बस आपको ये नंबर्स देखने हैं और यहाँ से मैच करा लेना है कि नंबर 1 पे क्या है, नंबर 5 पे कौन सी स्टेट है, बस सिंपल बनाया गया है मॉडल इसका। दोस्तों ये देखिए, ये है हमारी सोया स्टेट, ये कुछ जापानीज लैंग्वेज में नाम ये लिखा हुआ है। इसकी लोकेशन देखिए, जो भी हम लोगों ने देखी पहले जब अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे उस टाइम, कि सखालिन आइलैंड और होकाइडो के बीच में यह है तोया स्ट्रेट। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसके कई नाम हैं जापानीज लैंग्वेज में है और ये किसी और लैंग्वेज में भी है, ली पेरोज स्ट्रेट और सोया स्ट्रेट इज़ अ स्ट्रेट डिवाइडिंग द सदर्न पार्ट ऑफ द रशियन आइलैंड ऑफ सखालिन फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द जापानीज आइलैंड ऑफ होकाइडो। तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि रूस का जो पार्ट है, एक द्वीप है सखालिन उसको, और जापान का पहला जो आइलैंड है इम्पोर्टेंट होकाइडो, उन दोनों के बीच में ये स्ट्रेट है सोया स्ट्रेट। और दो अलग अलग लैंग्वेज में इसके नाम है, तो इसको देख लीजिए, हो सकता है कहीं पे इस नाम से भी आ सकता है, लेकिन जनरली सोया स्ट्रेट ही आपको देखने को मिलेगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारी सुगारू स्ट्रेट है, इसको भी हम लोगों ने देखा था, जो कि होकाइडो और होनशु इन दोनों के बीच में है। पहली सोया है जो सखालिन और होकाइडो के बीच में है, दूसरी सुगारू है जो होकाइडो और होनशु के बीच में है। और ये पूरे का पूरा जो हमारा पैसिफिक ओशन वाला इलाका है, स्पेशली जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले ये पूरे क्षेत्र हैं। और इन इमेजेस का स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट को देखते हैं, जैसे ये कोरिया स्ट्रेट हम लोगों ने देखा था, ये देखिए सुशिमा आइलैंड है, और सुशिमा द्वीप और कोरिया पेनिसुला इन दोनों के बीच में कोरिया स्ट्रेट है, और ये एलओसी और सी ऑफ जापान इन दोनों को, ये इन दोनों वाटर बॉडीज़ को ये कनेक्ट कर रहा है, एलओसी एंड ईस्ट चाइना सी, और ऊपर है सी ऑफ जापान, और इन के बीच में है कोरिया स्ट्रेट, बिटवीन सुशिमा आइलैंड एंड कोरियन पेनिसुला। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, और इसी के पास नज़दीक ही एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं आगे। ये जो हमारी स्ट्रेट है ये है सुशिमा स्ट्रेट। कोरियन स्ट्रेट या कोरिया स्ट्रेट और सुशिमा स्ट्रेट में डिफरेंस यही है कि सुशिमा स्ट्रेट जापान और सुशिमा, जापान का जो क्यूशू आइलैंड है और सुशिमा आइलैंड के बीच में है, ये सुशिमा स्ट्रेट है, और कोरिया पेनिसुला और सुशिमा आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है वो कोरिया स्ट्रेट है। ये चीज़ हम लोग बिल्कुल क्लियरली देख चुके हैं अभी पहले ही, और इसको याद रखना भी आसान है कि सुशिमा आइलैंड के नाम पे है तो सुशिमा स्ट्रेट हो जाएगा, कोरियन पेनिसुला के नाम पे है जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ कोरिया दो देश हैं तो उसके नाम पे है तो वो कोरिया स्ट्रेट हो जाएगा। ये हम लोग की है ताइवान स्ट्रेट, ये भी सिंपल है,
चाइना और ताइवान जो हमारा एक आइलैंड कंट्री है उन दोनों के बीच में है ताइवान स्ट्रेट। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी इन दोनों को ये कनेक्ट कर रही है। ताइवान स्ट्रेट के नॉर्थ साइड में थोड़ा सा हम ऊपर उठेंगे तो वहाँ पे ईस्ट चाइना सी है और इसके साउथ में साउथ चाइना सी है। ये अब हम लोग और आगे आ गए, ये नॉर्थ बैलाबैक स्ट्रेट या बैलाबैक स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, ये फिलीपींस और बोर्नियो आइलैंड के बीच में है। बोर्नियो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जावा, सुमात्रा, बाली, सेलेबीस या सुलावेसी बहुत सारे हैं, बोर्नियो भी उनमें से एक है। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो। इसकी खासियत यह है कि इस पर तीन देश हैं, तीन देशों के पार्ट हैं। ब्रुनेई एक देश है, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा पार्ट मलेशिया का है और थोड़ा सा इंडोनेशिया का है, और वहीं पर है बैलाबैक स्ट्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मकासर स्ट्रेट को देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये बोर्नियो और सेलेबीस या सुलावेसी आइलैंड के बीच में है। और मकासर स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करती है, ये मैंने बताया था, सेलेबीस सी और नीचे है जावा सी, इन दोनों को ये कनेक्ट करती है। और विश्व की जब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग स्ट्रेट देते हैं उसमें इसको हम लोग शामिल करते हैं। बाकी बैलाबैक स्ट्रेट हो गया, सूया स्ट्रेट हो गया, ये सब उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन मकासर एक बहुत ही फेमस स्ट्रेट है। अभी आगे एक ऐसा ही नाम अभी हमको थोड़ी देर में और मिलेगा, मलक्का। तो मलक्का और मकासर में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मकासर जो है वो बोर्नी और सेलेबीस के बीच में है। ये टॉरस स्ट्रेट, ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया की रीजनल स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने बताया था पहले ही इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि जो हमारा ये पापुआ न्यू गिनी है और नीचे है ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में है टॉरस स्ट्रेट जो कि गल्फ ऑफ कारपेंटोरिया एंड अराफुरा सी को और कोरल सी को कनेक्ट कर रही है। और ये अराफुरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंटोरिया और आपका कोरल सी, ये सब पैसिफिक ओशन के ही पार्ट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ये। हम लोग न्यूजीलैंड को देखते हैं, न्यूजीलैंड की भी कुछ स्ट्रेट्स मैंने बताई थी अभी आपको। न्यूजीलैंड के तीन आइलैंड इंपॉर्टेंट हैं, पहला नॉर्थ आइलैंड है, फिर साउथ आइलैंड है, फिर लास्ट में बहुत स्मॉल सा आपको दिख रहा होगा स्टीवर्ट आइलैंड है। तो नॉर्थ और साउथ आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट है जो कि है कुक स्ट्रेट, और ये पूरा का पूरा हमारा पैसिफिक ओशन का ही इलाका है। और इसके आगे नेक्स्ट जो अभी मैंने आपको बताया साउथ आइलैंड एंड स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट है, वह है फोवियोक्स स्ट्रेट, और ये दोनों स्ट्रेट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, न्यूजीलैंड की स्ट्रेट्स हैं ये सब। स्ट्रेट्स को पढ़ने का सबसे सही तरीका ये है कि आप दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। पहले हम लोगों ने क्या किया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के साइड की सब स्टेट्स को कर लिया, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इस एरिया की स्टेट्स को कर लिया, तो इससे जो प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बास स्टेट को देखते हैं, ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया वाले चैप्टर में कर भी चुके हैं कि जो बास स्टेट है ये ऑस्ट्रेलिया का जो मेन लैंड है, मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा स्टेट है जो कि मुख्य भूमि पर नहीं है, वो है तस्मानिया। उन दोनों के बीच में है बास स्ट्रेट जो कि तस्मान सी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इन वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। और इसके आगे सुंडा स्ट्रेट जो कि सुमात्रा, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स हैं जैसे कि सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सेलेबीस या सुलावेशी है, तो उसी में सुमात्रा और जावा इन दो आइलैंड्स के बीच में यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट है जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है। और यहाँ पे एक सुंडा गर्त भी है, जब हम लोग बॉटम रिलीफ पढ़ेंगे इंडियन ओशन का तो वहाँ पे उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया था मलक्का स्ट्रेट के बारे में, बहुत सारे लोग मलक्का और मकासर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पहले तो हम लोग इसकी लोकेशन देख लें कि ये बेसिकली जो हम लोग का सुमात्रा आइलैंड है और मलेशिया का पार्ट है उसके बीच में ये मलक्का स्ट्रेट है। और यहाँ पे मलक्का मलेशिया में एक स्थान है, उसी के नाम पे मलक्का स्ट्रेट है, तो अगर आपको याद रहेगा कि मलक्का एक स्थान का नाम है तो आप नहीं भूलेंगे कि वो मलेशिया के पास है। ये पाक स्ट्रेट है,
यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, उधर बे ऑफ बंगाल है, लक्षद्वीप सी है, लक्षद्वीप सी। तो गल्फ ऑफ मन्नार और लक्षद्वीप सी और उधर बे ऑफ बंगाल, इन सबको ये कनेक्ट कर रही है पाक स्ट्रेट। और दो लैंडमार्क को अलग जिसको कर रही है वो बहुत ही सिंपल है, इंडिया और श्रीलंका। और जब भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पाक स्ट्रेट का नाम ज़रूर आता है। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट है। ये रेड डॉट आपको दिख रहा होगा, ये है मोजम्बिक चैनल। यहाँ पे बगल में एक बड़ा सा आइलैंड है, बहुत ही फेमस कंट्री मेडागास्कर, और इसकी कैपिटल है अनंता नाना रिवो। थोड़ा अजीब सा नाम है इसकी कैपिटल का। और ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आती है। और दूसरी साइड एक कंट्री है जो कि अफ्रीका के मेन लैंड पे है, मोजम्बिक। उन्हीं दोनों के बीच में एक चैनल है जिसको कि हम लोग उस मोजम्बिक देश के नाम पर ही कहते हैं, मोजम्बिक चैनल। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग इंडियन ओशन की करंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चैनल का, क्योंकि यहाँ से दो करंट्स जुड़ी हुई हैं इस एरिया से, एक अगुलहास की करंट, अगुलहास धारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, और दूसरी मोजम्बिक करंट। तो जब करंट पढ़िएगा तो इस वाले हिस्से को ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बब एल मंदेब स्ट्रेट। और ये बेसिकली गल्फ ऑफ एडन को और रेड सी को कनेक्ट कर रही है। और किसको किसको अलग कर रही है, ये हमारे अफ्रीका और एशिया के पार्ट्स को अलग कर रही है। ध्यान से अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो इसके एक साइड सऊदी अरब है, बेसिकली अरेबियन पेनिसुला है, उसमें सऊदी अरब भी है, यमन है, ओमान है, ये सारे हैं अरब प्रायद्वीप है वहाँ पे। और नीचे एक साइड इसके अफ्रीका है। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में ये स्ट्रेट है और दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही है, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, लाल सागर। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पर्शियन गल्फ, और इसको हम लोग फारस की खाड़ी भी बोलते हैं हिंदी में, और गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी को कनेक्ट कर रही है हॉर्मूज़ स्ट्रेट। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हॉर्मूज़ और बाबल मंदेब में अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, जैसे मलक्का और मकासर में कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन कहाँ पर है, उसी तरीके से हम लोग कभी कभी हॉर्मूज़ को पहले कर देते हैं, बाबल मंदेब को इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रेड सी और गल्फ़ ऑफ एडन को जो जोड़ रही है वो बाबल मंदेब है, और पर्शियन गल्फ़ और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रही है वो हॉर्मूज स्ट्रेट है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्लैक सी है, ब्लैक सी के दोनों साइड दो छोटे छोटे सागर हैं। तो एक सागर है सी ऑफ मारमरा, और उस सी ऑफ मारमरा से जो स्ट्रेट ब्लैक सी को जोड़ती है वो है बॉस्पोरस स्ट्रेट। और ये बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है, अब वही कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी होता है, एक सागर अभी हम लोग आगे और भी देखेंगे तो वहाँ पर भी एक स्ट्रेट है। तो इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि ब्लैक सी के नॉर्थ साइड भी एक छोटा सा सी अटैच है, वह है एजोव सी, और साउथ साइड भी एक सी उससे जुड़ा हुआ है, वह है सी ऑफ मारमरा। अब जो नॉर्थ साइड सी जुड़ा हुआ है ब्लैक सी से, वह एजोव सी है, और उस सी से जो स्ट्रेट उसको जोड़ती है वह है कर्च स्ट्रेट। और साउथ में भी हम लोगों ने देखा जो सी ऑफ मारमरा से ब्लैक सी को जोड़ती है वो है बॉस्पोरस स्ट्रेट। तो कर्च स्ट्रेट और बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कभी कभी। हम लोग कर्च को नीचे कर देते हैं और बॉस्पोरस को ऊपर कर देते हैं। मैं बिल्कुल उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे बता रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्ट्रेट्स में, तो इस पॉइंट पे आप लोग को ध्यान देना है। जो ये हम लोगों का ये वाला इलाका है मेडिटेरेनियन सी वाला, और यहाँ पे ब्लैक सी वाला क्षेत्र, इस एरिया की स्ट्रेट्स थोड़ी सी कम फेमस है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होती है। दो ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि स्ट्रेट्स कन्फ्यूजिंग है, एक तो ये वाला इलाका और एक जो पहले हम लोगों ने अभी देखा इंडोनेशिया वाला क्षेत्र। ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इटली में मैंने बताया था कि इटली के पास में बगल में एड्रियाटिक सी है और नीचे आयोनियन सी है।
और उन दोनों के बीच में आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी को जो कनेक्ट कर रही है वो है स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। ये है स्ट्रेट ऑफ मेसिना जो कि सिसिली एक आइलैंड है इटली का और इटली का मेन लैंड है, इन दोनों को अलग कर रही है और टेरेनियन सी और आयोनियन सी को जोड़ रही है। स्ट्रेट ऑफ मेसिना, मेसिना क्या है, मेसिना वहाँ पे एक शहर है उसी के नाम पे इस स्ट्रेट का नाम पड़ा है, स्ट्रेट ऑफ मेसिना। तो मेसिना और ओट्रेंटो को भी क्लियर रखिएगा कि ओट्रेंटो जो है वो आयोनियन और एड्रियाटिक को जोड़ रही है और मेसिना टेरेनियन और आयोनियन को जोड़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, दो आइलैंड्स हैं कोर्सिका और सार्दिनिया। कोर्सिका फ्रांस का अधिकार है जिसपे, सार्दिनिया जिसपे इटली का अधिकार है, और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो। बोनिफेसियो और बॉस्पोरस में भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है बॉस्पोरस जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मारमरा के बीच में है, बोनिफेसियो जो है वो कोर्सिका और सार्दिनिया के बीच में है। और कोर्सिका सार्दिनिया दो द्वीप हैं जिसमें कि सार्दिनिया इटली का है और कोर्सिका फ्रांस का है। ये आइलैंड्स जो हैं जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिसली, कोर्सिका, सार्दिनिया इन सब का बहुत नाम आता है क्योंकि ये जो पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है और इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो हमारे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जब हम लोग प्रमुख सागरों और खाड़ियों की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये वाला हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी खाड़ियाँ हैं जो कि जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं और हम लोग को मैप में दिखती भी नहीं। जब हम लोग बहुत अच्छा मैप लेते हैं, डीप स्टडी करते हैं, तो ही वो हमको देखने को मिलती है। जैसे कि टेरेनियन सी आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे गल्फ ऑफ लायंस है, लिगूरियन सी है, ये सारे क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये तो सिंपल है, मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट कर रही है और दो कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल बीच में है। जैसे कि जो बाबेल मंदिर की लोकेशन थी, अफ्रीका एंड एशिया को अलग कर रही है, लगभग वैसा ही कुछ इसका भी है कि ये एक साइड इसके यूरोप है और एक साइड इसके अफ्रीका है, बीच में ये स्ट्रेट है। बहुत कम ऐसी स्ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगी जिनकी ऐसी लोकेशन होती है कि दो कॉन्टिनेंट्स को अलग कर रही हूँ। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहीं पे जिब्राल्टर एक प्लेस है, उसी के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। और इसके आगे कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्रांस है और फ्रांस और जो ब्रिटिश आइलैंड का जो द्वीप है, जो ब्रिटिश आइलैंड है उसके बीच में है ये, और इसके एक साइड नॉर्थ सी है और इसके एक साइड यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, बे ऑफ बिस्के है, ये सारे वाटर बॉडीज़ हैं और इन सबको कनेक्ट कर रहा है इंग्लिश चैनल। और इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश चैनल, फेमस है, अक्सर एग्ज़ाम में आता भी रहता है। और उसी के जस्ट बगल में स्ट्रेट ऑफ डोवर है। तो इंग्लिश चैनल और स्ट्रेट ऑफ डोवर की जो लोकेशन है वो बिल्कुल पास पास ही है। आगे इंग्लिश चैनल है और उसके थोड़ा सा पहले फ्रांस और ब्रिटिश आइलैंड के बीच में इंग्लिश चैनल है और बेल्जियम और नीदरलैंड के साइड जब हम पढ़ेंगे तो उन दोनों के पास में जो है वो स्ट्रेट ऑफ डोवर है। लेकिन ऑलमोस्ट एक बड़े लेवल पे जब हम देखते हैं तो दोनों की लोकेशन हमको बिल्कुल एक जैसी ही लगती है, इंग्लिश चैनल की और डोवर स्ट्रेट की। और ये एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ टेरिटरी, जिसको मैंने अपने स्टार्टिंग में जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने इसको नहीं शामिल किया था, तो इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिए। और फिलहाल इस पार्ट टू में, स्ट्रेट्स के पार्ट टू में अब इतना ही। आगे हम लोग सीज़ और गल्फ्स की भी स्टडी करेंगे और बाकी चीज़ें आती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया की रीजनल स्टडी हम लोग कर ही रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, सभी टॉपिक्स पे टाइम टू टाइम लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। और स्ट्रेट्स कैसा लगा आपको ये दोनों पार्ट्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट ये वर्क था कि सभी स्ट्रेट्स को समझना।
कैसे कैसे वो कनेक्ट कर रही हैं, किन किन लैंडमार्क्स को अलग कर रही हैं, और उसके बाद उनकी इमेजेस खोज के लाना और उसको सेट करना, तो ये काफ़ी एक हार्ड वर्क था इसमें। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को ये पसंद भी आया होगा दोनों पार्ट्स। और अगर किसी ने दोनों पार्ट्स पूरे देखे होंगे, पहला वाला पार्ट जिसमें हम लोगों ने लगभग 14-15 स्टेट्स देखी, और दूसरा वाला पार्ट जिसमें हम लोगों ने लगभग 25-26 स्टेट्स देखी, और इन स्टेट्स के साथ हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें भी जानी, तो उसको काफ़ी नई जानकारियाँ मिली होंगी इन दोनों पार्ट्स से। तो फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही, आगे हम लोग किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।